बस ये लगाइए, जरा सा लगाना है और देखिए कितना झाग हो गया। दोस्तों नमस्कार, आप लोग का मदम एक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे डिश वॉश पाउडर। दोस्तों ये बहुत कम रॉ मटेरियल से बनेगा और बहुत झाग देगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनेगा और ये बहुत आसान है, खाली मिक्सिंग प्रोसेस है। दोस्तों ये पूरा प्रैक्टिकल वीडियो है और ये मैं हिंदी में बना रही हूँ। अगर आपको किसी और लैंग्वेज में सबटाइटल चाहिए, जिसको हिंदी समझ नहीं आती है, तो सबटाइटल का ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलेगा, उसको प्रेस कर देंगे तो आप जिस लैंग्वेज में चाहते हैं उस लैंग्वेज में आपको सबटाइटल आ जाएगा, जिससे कि आपको वीडियो पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों मैं इंस्टाग्राम में भी रील्स बनाती हूँ, वो आपके बहुत काम की होंगी। आप उसको अगर देखना चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं क्वांटिटी भी बताऊंगी तो आप नोट करते जाइएगा साथ में। देखिए ये मैंने SLS पाउडर लिया है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये आसानी से मिल जाता है इंडस्ट्रियल केमिकल शॉप्स में, तो आपको ये लेना है। ये आपको लेना है 350 ग्राम, 350 ग्राम। उसके बाद देखिए मैं ये नमक ले रही हूँ, कॉमन सॉल्ट जो आप घर में यूज़ करते हैं वही नमक लेना है। ये आपको लेना है 580 ग्राम, 580 ग्राम। उसके बाद ये देखिए मैं साइट्रिक एसिड ले रही हूँ, नींबू का फूल जिसे बोलते हैं, ये भी आसानी से मिल जाता है। ये आपको लेना है 60 ग्राम, 60 ग्राम। फिर आप इन तीनों चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। इसके बाद आप खुशबू के लिए कोई भी अपने मनपसंद की खुशबू इसमें डाल सकते हैं। खुशबू अगर तेज़ स्मेल है तो कम क्वांटिटी में पड़ेगी, और अगर लाइट स्मेल है, माइल्ड स्मेल है, तो आप ज़्यादा, लेकिन इसका जो नॉर्मल क्वांटिटी है वो 5 ग्राम है। अब मैं इसमें कलर मिला रही हूँ, मैं ब्लू कलर डाल रही हूँ, आप कोई भी कलर इसमें डाल सकते हैं। कलर भी आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं इसमें 5 ग्राम कलर डाल रही हूँ। उसके बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, जिससे कि सारे पाउडर में कलर हो जाए, जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ। दोस्तों अब मैं इसका pH लेवल आपको मेजर करके दिखा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने अलग से एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया है। अब मैं इस पानी में थोड़ा सा डिश वॉश पाउडर मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने pH पेपर लिया है और इसमें डिप करके देख रही हूँ इसका कलर। ये देखिए इसका ये कलर आया है। तो इसका pH आप कलर डालने से पहले देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने कलर डाल दिया तो थोड़ा सा ब्लू कलर इसमें शो हो रहा है, जिससे कि ठीक से समझ नहीं आ रहा है। देखिए pH स्ट्रिप है कलर देखने के लिए,
इसका जो पीएच लेवल है 5 और 7 के बीच में आना चाहिए, तो ये अराउंड 7 के आसपास ही आ रहा है। अगर आपको इसका पीएच कम या ज़्यादा करना है, मान लीजिए आपका पीएच 7 से ज़्यादा आता है, तो आप थोड़ा सा इसमें साइट्रिक एसिड और मिला लीजिएगा, और अगर आपका पीएच लेवल 5 से कम आ रहा है तो आप थोड़ा सा इसमें SLS पाउडर और मिला लीजिएगा, तो आपका पीएच बैलेंस हो जाएगा। तो अब मैं आपको बर्तन साफ करके दिखा रही हूँ। देखिए मैंने एक कटोरी ली है, कटोरी धोने के लिए मैंने ये बर्तन में खूब सारा पानी लिया है। ये मैं इसको साफ करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा ये मैं स्पॉन्ज को गीला करके इसमें डिश वॉश पाउडर लगा रही हूँ, और उसके बाद में देखिए कटोरी पे लगा रही हूँ। देखिए कितना झाग निकला है इसमें, और कितना अच्छा साफ होगी कटोरी आपकी। ये देखिए कितना अच्छा डिश वॉश पाउडर बना है। दोस्तों देखिए इतना झाग है कि कितनी बार भी पानी से साफ कर रही हूँ तो ये झाग जा नहीं रहा है। इसको अलग से पानी में साफ करके मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों देखिए मैं अलग से टैप में जाके इसको वॉश करके आई हूँ। अब देखिए कितनी शाइन कर रही है कटोरी, है ना फ्रेंड्स, कितना अच्छा बना है, कितने झाग आ रहे हैं, और कितनी अच्छी क्वालिटी का बना है डिश वॉश पाउडर। तो दोस्तों आप लोग भी बनाइएगा। ये जो मैंने क्वांटिटी बताई थी आपको डिश वॉश पाउडर की, वो 1 kg की बताई थी। इसको आप ज़्यादा कम अपने, अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्वांटिटी, और अगर आपको कम बनाना है तो क्वांटिटी को कम करके बना सकते हैं। दोस्तों अगर इसमें आपको ज़्यादा झाग चाहिए तो आप SLS पाउडर बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको झाग थोड़ा कम चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है कि झाग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप उसमें नमक की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो इसका प्रपोर्शन आप आगे पीछे अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं? आसान है ना, कितना इजी है। आप किसी भी कोने में बैठ के इसको बना सकते हैं। खाली मिक्सिंग प्रोसेस से बहुत ही आसान है, किसी मशीन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसका बिजनेस करना है तो आप इसको खुद बना के पास वाले शॉप में बेचिए, जाके दीजिए, तो वो आपका बेचेंगे, उसको कुछ कमीशन देंगे, तो दुकानदार आपका बेचेगा, और अगर लोगों को पसंद आया तो आपका खूब बिकेगा, और ज़्यादा बिकता है तो आप और भी ज़्यादा दूसरी दुकान पे जाके इसको बेच सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटा सा बिजनेस शुरू करके बड़ा बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने सारे दोस्तों और सारे ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखेगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा। सब्सक्राइब प्रेस करने के बाद में आपको एक बेल दिखेगी, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। बेल प्रेस करने के बाद में आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, सबसे ऊपर आपको ऑल लिखा हुआ दिखेगा, तो ऑल को प्रेस कर दीजिएगा। ऑल प्रेस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस ऑल को प्रेस करने से ऐसा होगा कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आएगा, और तुरंत आएगा। और दोस्तों अपना जो YouTube का नोटिफिकेशन बटन है उसको भी ऑन रखिएगा, नहीं तो कैसे आएगा नोटिफिकेशन, तो उसको ज़रूर ऑन रखिएगा। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।